जो सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं उन्हें घर में ही निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में सेना के लांस नायक अनिल देव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बरेली के सदर बाजार में लांस नायक को गोली मारी गई। आरोपी ध्रुव चौधरी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कल दिन में वारदात हुई, आरोपी से पुलिस के अलावा सेना के अफसरों ने भी पूछताछ की। लांस नायक अनिल जाट रेजिमेंट से थे, बरेली में उनकी पोस्टिंग थी। वो मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले थे। लांस नायक अनिल देव ने 10 दिन पहले एक सैनिक की पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करते हुए आरोपी के भाई की पिटाई की थी। आरोपी ने इसका बदला लिया। अनिल देव बाइक पर जा रहे थे, पीछे से आरोपी ने उन्हें 2 गोलियां मारी। वारदात के बाद आरोपी थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। वारदात बरेली कैंट थाने से कुछ दूरी पर ही हुई। अनिल देव के 2 बच्चे हैं। कैंट कोतवाली है, इसमें ध्रुव कुमार व्यक्ति के द्वारा एक लांस नायक अनिल कुमार, उनको 2 गोलियां मार दी गई हैं। ध्रुव कुमार है, इसने गोली मारी, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जो जिन कारणों से गोली मारी उनका भी पूछताछ की जा रही है।